बंदा खिलाफ बात करता है पाकिस्तान के, ये एक भाई अब हमें क्या बताइए, अब हमें क्या बताओ रबी बलोचिस्तान जो थी रियासत वो थी वो 1947 में या 48 में वो रज़ाकराना तौर पे पाकिस्तान में जो है वो आपको सूबा का बना। अच्छा मुझे नहीं पता आप ठीक कह रहे हैं, आप बलोचिस्तान हो क्या है? नहीं नहीं जवाब नहीं आया, आप बताएं सूबा का बना पंजाब बलोचिस्तान सूबा का बना? मुझे टच नहीं करना, डोंट टच, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं कि हमारी वीडियो दिखा के हमें दिखाएं कि हमने कभी कहा आप इस्लाम को वोट छोड़ें, दिखाएं हमें हमारी। उसने जब आपने उसके आगे बातें खोल के रखी है उसने आगे से क्या, मुझे तो पता नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये वीडियो एडिट करके चलाएगा, पूरी वीडियो नहीं चलाएगा, लेकिन मेरे चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी पे जरूर ये करिएगा। ठीक है, जो आपने पॉजिटिव इमेज दिया है ठीक है हमारे इंडिया के बारे में, हां पॉजिटिव इमेज हमारी बॉडी अच्छी बना है। अच्छा हां इसको कट कर दूंगी। क्यों यार, तुम्हें पता है इंडिया एशिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है, और तुम्हें पता है इंडिया की जितनी भी मेडिसिन बनती है ना वो पूरी दुनिया लेती है, ट्रस्ट की जाती है वर्ल्ड वाइड। आईटी की सर्विसेज इंडिया इतनी अच्छी प्रोवाइड करता है कि हर बंदा जो है वहाँ पर जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, इंडिया ने इतना ग्रो कर दिया है कि मतलब पीक। अच्छा इंडिया के बारे में गलत नहीं बोलना, हमारी ऑडियंस 100% इंडियन है। स्टार्ट। पाकिस्तानी यूट्यूब आपस में लड़ने लगे इंडिया के लिए, बलूचिस्तान के लिए, क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरा मैटर, वीडियो में दिखाने वाला हूं, उसके बाद बहुत सारी बातें बताऊंगा, तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। बंदा खराब बात करता है पाकिस्तान के, ये एक भाई अब हमें क्या बताइए, अब हमें क्या बताओ रबी। बताएं कि हमारी वीडियो दिखा के हमें दिखाएं कि हमने कभी कहा आप इस्लाम को वोट छोड़ें, दिखाएं हमें हमारी। उसने जब आपने उसके आगे बातें खोल के रखी है उसने आगे से क्या, मुझे तो पता नहीं है। यहां पे ग्लोरीफाई ने बड़ा चैलेंज भी किया है कि अगर किसी एक एंकर ने चंडीगढ़ इंसिडेंट के ऊपर वीडियो बनाया हो, लाहौरी फाइट ने अगर चंडीगढ़ वीडियो पे किसी ने बनाया हो तो हम अपना चैनल डिलीट कर देंगे। हम कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान भी जो है कुछ करे। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्री ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारे पास राइट है कि हम लोग किसी भी चीज पर बात कर सकते हैं। ये तीन वीडियोस मेरे सामने आई हैं। पहला आपने कहा इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था ये बता दें। देखिए मैं जो यूट्यूब चैनल के ऊपर काम कर रहा हूँ उसमें मोस्टली ट्रैफिक जो है वो इंडियन व्यूअर्स हैं, जो यस जो देखते हैं। इंडियन व्यूअर्स को लेने के लिए आप सिर्फ ये बना लेते हैं? नहीं नहीं, PNN चैनल्स वाले जिन्होंने पिछली बार रिबाहा को एक्सपोज किया था एक गलत वीडियो बनाने पर, वही अब दोबारा यहां पर आए और इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में बता रहे हैं। यहां पे अली भाई होते या कोई भी पाकिस्तानी कंटेंट करने वाला होता जो इंडियन पे छापा मारने आता, इन बुजुर्ग पे भी मारते कि इन्होंने पाकिस्तान के बारे में ऐसा क्यों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो आपस में भाई भाई हैं, जो एक भाई काफी बड़ा है कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि उसकी इकॉनमी बड़ी है। अब पाकिस्तान भाई भी है जिसमें पाकिस्तानी लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ यहाँ पर मोहब्बतें बांटी जाएं, लेकिन कुछ चंद लोग दोनों ही मुल्कों में मौजूद हैं जो इस चीज को होने नहीं दे रहे। पहले वो लोग पे आते हैं जो हिंदुस्तान पे है, पहला आ जाता है अलोक डीएनटी रिकॉर्ड, डीएनटी रिकॉर्ड यानी डिफेंस एंड डिफेक्टिव इंडिया। अब ये इंसान इस कदर जाहिल और इस कदर बदतमीज है कि आपको सुन के वाकई में हैरत हो जाएगी। ये इंसान यहाँ पर लोगों को बिठाता है, सनम जज जैसे लोगों को और रियल टाइम जैसे लोगों को, रियल एंटरटेनमेंट टाइम जैसे लोगों को यहाँ पर आके गलत कंटेंट फैलाओ। अब जरा इधर पे एक चीज देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेंस एंड डिटेक्टिव। अब ये डिफेंस डिटेक्टिव वही बंदा है डीएनडी रिकॉर्ड जो कि रिएक्शन वीडियो बनाता है इसके चैनल लोगों का, ये चैनल का लोगो देखें आप, ये बंदा एड भेजता है इन सबको। मसला ये है कि क्या हमारे जो जितने भी इंडियंस हैं वो रियल रिव्यूज सुनना चाहते हैं या फेक रिव्यूज सुनना चाहते हैं? बिकॉज आज से 5 साल पीछे चले जाएं तो इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे पाकिस्तान के, लेकिन बराबरी की सतह पे, बट इनको अपॉइंट किया गया कि पाकिस्तान को नीचे करके फिर ताल्लुकात बनाए जाएं। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो सोच के देखिए कि हिंदुस्तान में अगर कोई आ जाए और हिंदुस्तान की बुराइयां करे तो उसको एंटी नेशनल मानेंगे, तो क्या वो सही है? हाँ, हिंदुस्तान में रहकर अगर कोई हिंदुस्तान की अच्छाई करे तो हम इसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी रहकर हिंदुस्तान की अच्छाई करे तो वो एंटी नेशनल माना जाता है। तारीफ वो वाली तारीफ जो गलत तारीफ आती है, तो आपके सामने देखिए आपको ये सारी प्रूफ है, आगे चलते हैं। आप कोई काम नहीं करते? जी मैं अपना काम करता हूँ, मेरा चैनल है, मेरे पास भी मैं आपको वीडियो दूंगा। स्टिंग ऑपरेशन हम 2 दिन से कर रहे हैं ये काम। अच्छा जी। और यहाँ पर पीछे कैमरा लगा होता है और यहाँ पे लोग कहते हैं कैसे आप इंटरव्यू करने आए, आपने मुझे क्या कहा कि अपनी राय दूंगा? हाँ जी। ऐसी है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। बताया जाता है कि सर आपने इंडिया को अच्छा बना लिया, कंट्री को जो है पॉजिटिव इमेज दिया।
हमारे इंडिया के बारे में एशिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, और तुम्हें पता है इंडिया की जितनी भी मेडिसिन बनती है ना वो पूरी दुनिया लेती है, ट्रस्ट की जाती है वर्ल्ड वाइड। आईटी की सर्विसेज इंडिया इतनी अच्छी प्रोवाइड करता है कि हर बंदा जो है वहाँ पर ही जाता है। ये सारी चीज़ें इंडिया ने इतना ग्रो कर दिया है कि मतलब पीक। अच्छा इंडिया के बारे में गलत नहीं बोलना, हमारी ऑडियंस 100% इंडियन है। स्टार्ट इंडिया को अच्छा बनाना। इस भाई की जाने से आपको मैं वही इंडियन कंटेंटर्स दिखाऊंगा जो यहाँ पर खड़े हुए सबको एक एक करके करेंगे। पहली चीज, अब आप जरा यहाँ पे चुपचाप बता दें, क्या आप वो काम नहीं, आप नहीं बोलते कि हिंदुस्तान को परखने? नहीं मैं तो नहीं बोलता, कुछ सबूत कोई एविडेंस? बिल्कुल है। और अभी 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 आपके सामने वो वीडियो आपको दिखाई जाएगी। दिखाएं। ये सारी चीजें यहीं पर हैं और आपके सामने सर, आप भी आपने खुद इस चीज को एक्टिव करना है। और जनाब जो ये काम कर रहा है पहली आंख से देखे और हमारे जवान शेर इंशाल्लाह उनकी मैली आंख का जो अंकल ने बोला है ये गलत बोला। आप जलाएं और मैं अपने इदारों को ये चीज दिखाऊंगा। मैं अपने इदारों से रिक्वेस्ट करता हूं मुझे भी बुलाया जाए। कहलावे में तहरीक कब शुरू हुई? बलोचिस्तान मुझे बताओ, बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कब बना? बलोचिस्तान जो थी रियासत वो थी वो 1947 में या 48 में वो रज़ाकराना तौर पे पाकिस्तान में जो है वो आपको सूबा का बना। अच्छा मुझे नहीं पता, आप ठीक कह रहे हैं, आप बलोचिस्तान हो गए हैं? नहीं नहीं, जवाब नहीं आया। आप बताएं सूबा कब बना पंजाब? बलोचिस्तान सूबा कब बना? मुझे टच नहीं करना, डोंट टच। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें ये भी नहीं पता पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कह रही है पाकिस्तान क्या कहते हैं? आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान डिस्प्यूटेड एरिया, आपको पता ही नहीं है? और थोड़ी सी स्टडी करके आओ। ये भाई कह रहे हैं बलोचिस्तान में सब हो रही है। एक मिनट कैसे ठीक हो रहे बलोचिस्तान? मुझे एक मिनट इसको छोड़ो। अच्छा आप ये देखें थंबनेल, नहीं ये देखें इंडिया, मुझे इसका पॉइंट बताएं आप। अच्छा अब ये बताएं पाकिस्तान में डेवलपमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं इस बंदे की 10 वीडियोस या 10 बातें झूठ पे साबित करूंगा, और ये मेरी एक बात भी झूठ साबित कर दे तो मैं अपना चैनल डिलीट करूंगा। क्या इसमें इतनी हिम्मत है कि ये अपने झूठ का सामना करे? मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं अपने झूठ का सामना करूंगा? भागने नहीं दूंगा। यहाँ पे मुझे बताए क्या नाम है, ये देखे एडवाइजर का क्या नाम है? कैमरे को हाथ ना लगाए, माइक को हाथ ना लगाए। पाकिस्तान में ऐसे जो भेड़िए हैं जो पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान को एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, हेल्थ की बात नहीं करेंगे, डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, ये लोग हमेशा प्रोपोगंडा करेंगे, और इस प्रोपोगंडा को मैं एक्सपोज करूंगा चाहे मुझे जितना भी दबाया जाए। अब मैं ये मिशन प्रॉपर स्टार्ट करूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये वीडियो एडिट करके चलाएगा, पूरी वीडियो नहीं चलाएगा, लेकिन मेरे चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी पे जरूर ये करिएगा। प्रोग्राम हो गया। आपका शख्स है जो पाकिस्तान के जो है एंटी स्टेट काम करता है, और आप अनएथिकल ना बात करें। ये चीजें हैं, जब तक ये चीजें होंगी काइंडली, अगर अब जब जवाब नहीं है भागो नहीं, भागने नहीं दूंगा। सर ये मेरा प्रोड्यूसर आपको लोकेशन बता रहा है। तो भाई देखा आपने कैसे पाकिस्तान में जो यूट्यूबर है भाई आपस में लड़ रहे हैं, लड़ किसके लिए रहे हैं भाई? इंडिया के व्यूअर्स के लिए, इंडिया के जो व्यूअरशिप है उसके लिए लड़ रहे हैं। एक तरफ हमारे सोई भाई है भाई जो एक अच्छा काम है, मानता हूँ भाई एक अच्छा काम ये कर रहे हैं। अच्छा काम क्या कर रहे हैं भाई? ये जो है जो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उनको अच्छा बनाने की इन्होंने भाई बहुत छोटी सी एक जो है शुरुआत करी थी, बहुत बड़े लेवल पर ये पहुँच चुके हैं, अब इस लेवल पर पहुँच चुके हैं कि इनकी बातें सुनी जा सकती है। लेकिन जो दूसरे पाकिस्तानी यूट्यूबर भाई जिनके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते, जो अपनी वीडियोस में ये दिखाते हैं कि देखिए पाकिस्तान में लड़कियां कैसे अपना जिस्म बेचती है, कैसे लड़कियां जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, बहन भाई शादी कर रहे हैं, मतलब वो सच्चाई दिखा कर गया, सच्चाई है झूठे जो दिखाते हैं वो यूट्यूबर इनसे आगे लड़ रहा है कि भाई तुमने तो पाकिस्तान की बेइज्जती करवा दी है, तुम तो पाकिस्तान की बेइज्जती करवाते हो बलूचिस्तान के ऊपर। दोस्तों बलूचिस्तान एक हिस्सा है भाई, जब बंटवारा हो रहा था तब ये नहीं था भाई पूरा इंडिया था, पूरा पाकिस्तान था, छोटी छोटी रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें मिलकर इंडिया बना, उसके बाद फिर पाकिस्तानियों ने दो तीन रियासतें मिलाई, उसमें बलूचिस्तान और दो तीन रियासतें और थी वो जो है बन गई। लेकिन बलूचिस्तान एक आज़ाद देश था, कब तक आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुए, उसके 225 दिन तक जो है बलूचिस्तान एक अलग देश था। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और पाकिस्तानियों के जो लीडर थे उनकी कुछ दिमाग की वजह से भाई उन्होंने बलूचिस्तान को अपने हिस्से में मिला लिया। जो उनका राजा होता था खान, एक खान नाम से था, तो उन्होंने जो है साइन करवा ली कि मैं पाकिस्तान में मिला जाता हूँ। लेकिन जो भाई बलूचिस्तान के लोग हैं भाई कसम से तड़प रहे हैं, उनको पाकिस्तानी पाकिस्तानी नहीं मानते। वहाँ से जो है भाई जितने परमाणु टेस्ट पाकिस्तान को करने होते हैं वो वहाँ पर करते हैं, वहाँ से जो मिनरल्स मिलते हैं, लाइट से बिजली बनाई सब जो है पूरे पाकिस्तान में जाता है, लेकिन भूखा कौन मरता है? बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान के लोग भाई लड़ रहे हैं कि हमें तो भाई इंडिया में मिलना, और भाई सच्ची बात है। तो सोए भाई ने भाई वही बात वीडियो में दिखाई कि वे
बलूचिस्तान वाले जो है इंडिया में लेता है, तो ये पत्रकार को बहाना मिल गया, भाई चलिए पकड़ लेता हूँ इसको और लपेटता हूँ। तो भाई वैसे यार इंडिया के नाम पे लड़ रहे हैं भाई, इंडिया के नाम पे, तो यार सोच सकते हो भाई इंडिया किस लेवल पर, पाकिस्तान किस लेवल पर है। दोस्तों आपकी क्या राय भाई इस वीडियो में देखने के बाद, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, सब भाई के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय श्री राम।